फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा अग्रवाल और आज हम जानेंगे टॉरस वृष राशि के लोग अपने लाइफ में अगस्त के महीने में जैसे ही क्विक स्टार्ट करेंगे उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो टॉरस वृष राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा वो अभी हम टैरो कार्ड रीडिंग में देखते हैं। सबसे पहले है अगस्त के महीने में टॉरस वृष राशि के लोगों के लिए ईश्वर उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब उसको ग्रैब करना या नहीं करना उनके खुद के हाथ में है। इमोशनली हो सकता है थोड़ा सा अभी ब्रेकडाउन हो रखे हैं, थोड़ा सा इमोशनली हर्ट हो रखे हैं, चीज़ों को उतना कैरी कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पर जो ईश्वर नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको ग्रैब करना या ना करना खुद के हाथ में है। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना या ना ढूंढना भी खुद के ही हाथ में है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सपोर्ट मिल रहा है, लोग मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, पर बहुत बार हम अपने ही ईगो या अपने डिससेटिस्फेक्शन के कारण या अपने विम्स के कारण हम उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस सपोर्ट को नहीं ग्रैब करते हैं। हेल्थ में अनक्लैरिटी बनी रहेगी, मेंटल स्ट्रेस के कारण, ज़्यादा सोचने के कारण कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होंगे, स्टमक में पेन हो सकता है या डाइजेशन इश्यूज भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप में बहुत ही सेटिस्फेक्शन रहेगा, लाइफ में कोई है या लाइफ में कोई नहीं है, लाइफ में किसी का एब्सेंट होना या प्रेजेंट होना उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने आप में बहुत खुश हैं, अपने आप में बहुत लाइवली हैं। अब ये सब चीज़ें पाने के लिए आपके लिए गाइडेंस है जस्टिस। जस्टिस हमें इंडिकेट करता है अपने कर्मा सही रखें, बैलेंस बनाकर चलें लाइफ में, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है, और साथ में आप वाइट कलर का यूज़ करें। वाइट कलर का यूज़ करने से आपके माइंड की क्लैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि वाइट कलर स्पेस एलिमेंट को इंडिकेट करता है और वो आपको जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में यूनिवर्स दे रहा है उनको ग्रैब करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, और जब रास्ते मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो आपको सक्सेस तो ज़रूर ही मिलेगी।